आप भी आजकल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एस्ट्रोटॉक नाम के इस ऐप के ढेर सारे विज्ञापन देख रहे होंगे। एस्ट्रोटॉक पर हम गए, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर से हमने बातचीत की। मतलब उन्होंने झटपट पूछा कि आप टीवी एंकर तो नहीं? आपकी कुंडली मैंने बनाई है और इसमें शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी शादी 2024 में लिखी है मई के महीने में। आराम से जस्ट डाउनलोड दी एस्ट्रोटॉक ऐप और यही नहीं, पहला चैट मेरी तरफ से फ्री, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आप अपने सवालों का जवाब जानकर अपने भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी पर हम ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हम कई बार इन विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा कि आपको इन पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी का मजाक बनाना या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे उसे फैक्ट्स और डाटा से प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको T20 वर्ल्ड कप में ले चलते हैं। इस टूर्नामेंट में भारत को सेमीफाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सेमीफाइनल मैच से पहले तक कई न्यूज चैनल्स में आकर एस्ट्रोलॉजी के इन विद्वानों ने कहा था कि भारत 100% इस मैच को जीत लेगा। विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, और बृहस्पति हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। एबीपी न्यूज ने 11 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैच से पहले एक कार्यक्रम किया था। आप देखने जा रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे, जिसमें ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि भारत इस मैच को जीत लेगा और कई ज्योतिषियों ने कहा था कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लड़ाई तो बराबर की है, गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मैच में किसी भी तरह की नेक टू नेक फाइट नहीं दिखी, हुआ इसका ठीक उल्टा। इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से बिना कोई विकेट खोए 16 ओवर में 168 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया था और भारत को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। भारत की इस हार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ट्वीट कर कहा था कि ये क्रिकेट इतिहास का सबसे आसान चेज है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी एस्ट्रोलॉजर का कहा हुआ झूठा साबित हुआ हो। ज्यादातर बार एस्ट्रोलॉजर्स की कही बात झूठी ही साबित होती है, पर किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर हम एक और झूठी भविष्यवाणी की बात करें तो आपको साल 2020 में भारत के मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला की कोविड को लेकर भविष्यवाणी तो याद ही होगी। उन्होंने कहा था कि 15 मई के बाद कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मई 15 के आसपास ये सब ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसा सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा था, बल्कि इनके जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इस तरह की मिलती जुलती भविष्यवाणी की थी। लेकिन हुआ क्या, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर की कही हुई 100 बात में से सिर्फ एक बात सच निकल जाए तो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन आम आदमी की कही 99 बात सच है और एक बार झूठ निकल जाए तो लोग उस पर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं करते। साल 2009 और 2010 के आसपास भी ऐसी एक खबर तेजी से दुनिया में फैल रही थी। बताया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को माया कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ये कैलेंडर 5000 साल से भी पुराना था और लोग कहने लगे थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी और परलय आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ राइटर्स ने एक सर्वे किया था जिसमें इन्होंने 20 अलग अलग देशों के 16,000 लोगों से इस खबर के बारे में पूछा था, जिसमें 7 में से हर एक इंसान को ये खबर सच लग रही थी। इतनी बार ये भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, इसके बाद भी लोग इस पर कैसे भरोसा कर लेते हैं, ये हैरान करने वाली बात है। थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि लोग इस तरह की चीजों पर आसानी से भरोसा कैसे करते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है वीक माइंड। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर किसी को अपने भविष्य को लेकर हमेशा डाउट रहता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और सभी को अपना भविष्य बिल्कुल सिक्योर चाहिए होता है, जिस वजह से लोगों के दिमाग में एक तरह का डर बैठ जाता है, जिसको दूर करने का उनके पास एकमात्र रास्ता ही एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं। ये लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर की कही अच्छी बातों से उनका मन खुश हो जाता है और भविष्य को लेकर जो उनका शक मन में होता है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। रही बात एस्ट्रोलॉजर्स की, तो ये अपने काम में माहिर होते हैं। इनको पता होता है कि कैसे लोगों को कंट्रोल करना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिन लोगों का कमजोर दिमाग भविष्य के बारे में सोचकर डरता है, वो लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर के पास ना जाकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर पूरा भरोसा होता है। ये लोग एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, और उसमें से कुछ लोग अभी तक वीडियो छोड़कर चले गए होंगे और कुछ लोग कमेंट में गालियां दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप इन लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं और आपको भी एस्ट्रोलॉजर की कही बात पर होता है, पर उसके बाद भी आप एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करने लगते हैं, तो ऐसा दूसरे रीजन की वजह से होता है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोल्ड माइंडिंग। कोल्ड माइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके एस्ट्रोलॉजर आपसे कई ऐसी कॉमन बात कहेगा जिसको सुनकर आपको उस पर भरोसा होने लगेगा। एग्जांपल के लिए,
मान लीजिए आपसे एस्ट्रोलॉजर कहता है कि 25 से 28 साल के बीच आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब दोस्तों इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 25 से 28 साल की उम्र में आपको कोई नई नौकरी मिल जाए या फिर आपकी शादी हो जाए या फिर आप किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बचे हों। ऐसे में आपको एस्ट्रोलॉजर की बात सही लगने लगेगी और आप सोचने लगोगे कि शायद 25 से 28 साल में इसी घटना के बाद एस्ट्रोलॉजर ने की थी और यहीं से मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। तीसरी तकनीक है साइकोलॉजी का फॉरर इफेक्ट। साल 1948 में फ्रांस में एक बड़ी साइकोलॉजी रिसर्च की गई थी जिसमें वहां के वैज्ञानिक IBR फॉरर ने अपने 39 छात्रों का टेस्ट लिया। इस टेस्ट के आधार पर अगले हफ्ते सभी स्टूडेंट को एक पेपर दिया गया जिसमें 13 क्वालिटीज लिखी गई थी और ये क्वालिटीज ऐसी थी जो हर इंसान के अंदर होती है। उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि इस क्वालिटी पेपर को रेटिंग दें, मतलब वो 1 से 5 के बीच नंबर देकर बताएं कि ये क्वालिटी उनकी पर्सनालिटी को कितना डिस्क्राइब करती है। अब यहीं से इस रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। दिए गए सभी क्वालिटी पेपर्स में एक ही तरह की क्वालिटी लिखी गई थी और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि केवल 5 बच्चों ने 4 में से कम नंबर दिए थे और एवरेज इसको 4.6 की रेटिंग मिली थी। इस रिसर्च से ये साबित होता है कि लोगों को अपने बारे में अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है और इसी का फायदा उठाकर एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग तय करते हैं कि आपके लिए बाहर जाना कब अच्छा है और कब नहीं। ये लोग आपको बताते हैं कि आपको कब बिजनेस करना चाहिए और कब नहीं। अगर इनको भविष्य के बारे में इतना ही पता होता है तो स्टॉक मार्केट में खुद का पैसा इन्वेस्ट करके पैसा क्यों नहीं कमाते हैं? ये जगह जगह लोगों से पैसा क्यों मांगते हैं? इनसे अपना खुद का भविष्य तो संभाला नहीं जा रहा तो ये आपका भविष्य क्या सुधारेंगे? अभी हाल ही में एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर की बीवी किसी और के साथ भाग गई थी जबकि इनकी शादी पूरी तरह एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके ही हुई थी। कुंडली मिलान से लेकर फेरू तक का मुहूर्त निकाला गया था। अब आप डिसाइड करोगे आपको क्या करना है, आपको इनके ही भरोसे बैठना है या फिर कड़ी मेहनत करके कुछ हासिल करना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।